चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साजिश ये है कि किसान के हक में तो मिल चलना चाहिए, अगर यहाँ घोषणा कर दी के मिल चले तो हम दोनों लोग बदनाम होंगे। यहाँ पे ये क्रांतिकारी धरती है, अगर यहाँ से निर्णय होगा कि मिल नहीं चलेगा, अगर मिल पट भी जाएगा तो चलने नहीं देंगे। हम किसानों को बहका सकते हैं, उनके साथ में धोखा नहीं कर सकते, यही हमारा निर्णय है। और जो भी यहां पे कमेटी निर्णय लेगी हम उस कमेटी के साथ में है। लेकिन जो सामली सुगर मिल है ये सबसे पीछे चल रही है, 225 करोड़ रुपए आज भी इन किसानों का बकाया है। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, समस्त पार्टी के पदाधिकारी, विधायक जैन चौधरी जी, देखो ये आप बैठ जाओ सुन लो बात। ये किसान को इस तरह से यहां पे जाके फंसाया गया है, एक चक्र है ये सामली सुगर फैक्ट्री। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। यहां पे अगर दोनों बड़े नेताओं को, यहां पे जो पॉलिटिकल बड़े नेता हमारे जैन चौधरी है और जो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, वे दोनों संगठन आज यहां पे सुगर मिल पे, इनकी साजिश समझ लेना क्या है। साजिश यह है कि किसान के हक में तो मिल चलना चाहिए, अगर यहां घोषणा कर दी के मिल चले तो हम दोनों लोग बदनाम होंगे यहां पे। और अगर यहां से ऐसे ही चले गए बगैर परमिट के और मिल बंद की घोषणा करी तो यहां पे किसान ही गन्ना लेकर आएगा, प्रशासन यहां पे गन्ना तुलवाएगा और झगड़ा करवाएगा यहां पे। ये चक्र में हो, ये चक्र में हो और इसमें ये लोग फंसाए गए हैं। इसका एक ही समाधान है, हमने मिल वालों से भी बातचीत करी, हमारे सारे लीडर भी यहां पे हैं सारी पार्टियों के, हमारे किसान भी हैं, देश का नौजवान भी है, हमने अधिकारियों से भी बातचीत करी, हमने सुगर मिल के अधिकारी बैठे हैं उनसे भी बातचीत करी। ये क्रांतिकारी धरती है, अगर यहां से निर्णय होगा कि मिल नहीं चलेगा, अगर मिल पट भी जाएगा तो चलने नहीं देंगे, उसका हमने सुझाव दिया इनको। कुछ किसानों को हटाएंगे, कुछ मिल प्रशासन हट जाए। आप 14 दिन में नए गन्ने का भुगतान शुरू कर दो, पुराना जो 200 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा उसका आप ब्याज देना शुरू कर दो, एक समाधान निकल सकता है। दूसरा समाधान यह है कि एक शुगर फैक्ट्री को बेच दो, इस शुगर फैक्ट्री में आधे का पार्टनरशिप कर लो। हम किसानों को बहका सकते हैं, उनके साथ में धोखा नहीं कर सकते, यही हमारा निर्णय है। और जो भी यहां पे कमेटी निर्णय लेगी हम उस कमेटी के साथ में है। हमें सबसे पहले किसान प्यारा है, ये चक्रव्यूह है। जो भी यहां की कमेटी निर्णय लेगी, आज निर्णय ले लो, दिवाली के बाद निर्णय ले लो, जिन लोगों ने भी ये धरना चलाया है सब लोग उन धरने के कमेटी के खाप पंचायतों के साथ में है। हम उनकी हिम्मत देते ध्यान देते हैं कि उन्होंने ये धरना चलाया, ये आंदोलन चलाया शुगर फैक्ट्री पे, और आज बहुत विश्वास के साथ में सब लोग यहां पे आए। यहां 3 शुगर फैक्ट्री शामली की, एक शुगर फैक्ट्री जो उन वाली है राणा गुरजीत राणा की, वो जानबूझ का भुगतान नहीं देता, उसके पास में पैसे हैं। बजाज वालों के साथ में उसका कंपटीशन है, बजाज वालों का कुछ पैसा आया, जो एक आंदोलन बुढ़ाने में आपका चला, आप लोगों ने चलाया उस आंदोलन को, उसका 1300 करोड़ रुपए एक बहाना वो था कि हमारे पास में पैसा नहीं, सरकार के पास में पैसा है। वो आंदोलनों के आप लोगों के प्रेशर में आया, उससे कुछ किसानों का, उस फैक्ट्रियों का भुगतान हुआ पूरे प्रदेश में। लेकिन जो सामली सुगर मिल है ये सबसे पीछे चल रही है, 225 करोड़ रुपए आज भी इन किसानों का बकाया है।
इन किसानों के भी पास में बच्चे हैं, कोथली बागरे दे रही है, हमारा पैसा है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचो। इन किसानों का जो नया भुगतान है वो 14 दिन में कर दो, पुराना भुगतान पे जो गन्ना एक्ट कहता है उसके हिसाब से इनका ब्याज दे दो। ये लोग उस पर भी हम इनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जयंत्र भाई है, हम हैं, सब लोग जो भी किसानों का निर्णय है, जो कमेटी का निर्णय है, क्योंकि उन्हीं की बातचीत यहां पे बहुत बार चली, हम आप लोगों के साथ में जो भी कमेटी निर्णय लेगी हम उसके साथ में रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद संविधान। आप लोग बैठे रहे, बात सुनकर जाए, कोई ना कोई निर्णय इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। आप बैठे शांतिपूर्ण तरीके से, एक ऐसा ऐसे तरीके से जो किसान बैठा हुआ है, हम आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। चौधरी।